गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ चालू करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का स्टडी मटेरियल। और सबसे पहले आज हम चालू करेंगे अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि अब नाम से क्लियर हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट में कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट अपने कौन कौन से इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मैग्नेट क्या होता है और ओवरऑल ये मैग्नेट वर्ड आया कहां से। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो मैग्नेट वर्ड था, ये आज से लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 2500 साल पहले, 25 इयर्स एगो, इस वर्ड का कह सकते हैं डिस्कवर हुआ, ये वर्ड बोला जाने लगा। अब सबसे पहले होता क्या था, हम आपको ये बताएं कि कुछ हमारी नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस यानी कि नेचुरल और ऑप्टेंड मेटल्स होते थे, या कह सकते हैं सब्सटेंसेस होते थे, जिनमें कुछ अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की कोई प्रॉपर्टी होती थी। तो उसी से हमने क्या करा, उसको नाम दिया। तो अब सबसे पहले हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं, हम यहां पर समझा सकते हैं कि जो मैग्नेट्स थे हमारे, मींस मैग्नेट्स वर मेड, पहले बनाए गए थे, वर मेड किससे, फ्रॉम नेचुरली ऑप्टेंड सब्सटेंस, फ्रॉम नेचुरली ऑप्टेंड सब्सटेंस। अब नेचुरली ऑप्टेंड सब्सटेंस का मतलब क्या, या नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुछ हमारे नेचुरली ऑप्टेंड सब्सटेंसेस थे जिनमें क्या होता था, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती थी। अब इनको हम बोलते क्या थे, तो पहले ये कहलाते थे लोड स्टोन्स। क्या बोलते थे इनको हम लोग, इनको हम लोग बोलते थे लोड स्टोन। अब ये जो लोड स्टोन पहले वर्ड बोला जाता था, ये एक ब्लैक कलर की आयरन की ओर होती थी। ये कैसी कलर की होती थी, ब्लैक कलर की हमारी एक आयरन की ओर होती थी। अब जब ये ब्लैक कलर की हमारी आयरन की ओर होती थी, तो आज हमने इसको एक न्यू वर्ड नाम दे दिया कि अब हम इसको बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं आज हम लोग, कोई बताएगा, विच इज नाउ नोन एज, जिसको आज हम लोग जानते हैं कैसे, मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आज हम इसे मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन होता क्या था, ये हमारा स्ट्रेंथ में यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता था, इसका मैग्नीट्यूड बहुत लो होता है, मतलब कि इसमें जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होती है। तो इसका हम बहुत वेरी लिटिल प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, हम इसका जब बहुत लिटिल प्रैक्टिकल यूज ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल में वही चीज हमारी अच्छी मानी जाती है जिसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और जिसका हम अच्छे से यूज कर सकें। अब इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी तो इसका हम यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। अब हम कर क्या सकते हैं कि इनका यूज हम थोड़ा सा इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम यहां पर कहें कि रेफ्रिजरेटर का जो डोर है, आपने देखा होगा कि अगर हम यहां से क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेटर के डोर को क्लोज करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है वो क्लोज्ड हो जाता है। क्यों, आपने देखा होगा कि दो बॉडीज के बीच, दो सरफेस के बीच एक मैग्नेट की एक लेयर लगा देते हैं, जिससे जैसे ही डोर हम क्लोज करते हैं ये तुरंत बंद हो जाता है। हम क्या कह सकते हैं, इन टॉयस खिलौनों में भी मैग्नेट का यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। फिर उसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है मैग्नेटिक कंपास नेडल। मैग्नेटिक कंपास नेडल में भी हम लोग जानते हैं किस चीज का यूज होता है, हम जानते हैं परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। तो हम यहां से देख लिए कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। अब जब परमानेंट मैग्नेट था, तो इस मैग्नेट को हमने क्या करा कि अपने अकॉर्डिंग हम किसी भी शेप में इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन मेथड है या जो सबसे कॉमन मैग्नेट होता है जो हम आजकल यूज करते हैं, वो कहलाता है हमारा बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट कैसा होता है, किस शेप में होता है, तो एक एक सिलेंडर टाइप का सब्सटेंस, एक ये कहलाता है हमारा क्या, बार मैग्नेट।
इस तरह का। अब मैग्नेट में क्या होता है कि दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इसमें दो एंड्स होते हैं, एक एंड इसका कहलाता है नॉर्थ पोल और एक एंड कहलाता है क्या हमारा साउथ पोल। एक हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है और एक हमारा साउथ पोल कहलाता है। तो जनरली नॉर्थ पोल पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्योंकि नॉर्थ पोल से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं, और साउथ पोल पर ये जाती हैं। अब कैसे जाती हैं ये तो हम अभी आपको बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले हम आपको कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं कि मैग्नेट कौन कौन सी अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो सबसे पहले हम आपको यहां पर बता देते हैं मैग्नेट्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेट की कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। अब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं जरा ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो मैग्नेट होता है हमारा ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है किसको, मेटल्स को। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स, ये क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैटेरियल्स। मेटेरियल्स कौन कौन से मेटेरियल्स, लाइक हम लोग कह सकते हैं आयरन हो गया, फिर उसके बाद हम यहां से फिर से कह सकते हैं कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। ओवरऑल अगर आप समझें तो आप ये कह सकते हैं ऑल क्या मेटल्स, कि जितनी भी मेटल्स होती हैं मैग्नेट उनको क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी वजह से मैग्नेट दो किसी भी मेटल को अपनी ओर इजिली खींच लेता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, आइए जरा ये भी देखते हैं। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है, हमने आपको बताया था ना नॉर्थ पोल पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो जो अट्रैक्शन होता है इज मैक्सिमम एट द एंड्स। मैक्सिमम एट कहां पर, एंड्स पर, एंड्स का मतलब होता है सिरों पर, मतलब कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग पोल्स भी बोल सकते हैं, कॉल्ड पोल्स, इनको हम लोगों ने पोल्स नाम दे दिया। फिर इसके बाद हम लोग यहां पर तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हैं कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली किसी थ्रेड से सस्पेंड कर दें, तो हमने क्या कहा कि इफ ए बार मैग्नेट, इफ ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, अगर हमने इसको क्या कर दिया है, अगर बार मैग्नेट को सस्पेंडेड कर दिया है किस चीज से, सस्पेंडेड बाई ए थ्रेड, अगर इसको एक थ्रेड के साथ हमने सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा, आप जरा ध्यान से सुनिए कि इट अरेंज इटसेल्फ, इट अरेंज इटसेल्फ, इटसेल्फ कहां पर, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप लेकर रेस्ट में आ जाएगा, मतलब ये नॉर्थ और साउथ पोजीशन में आने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चौथा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम लोग यहां पर क्या कहते हैं कि अगर हमने दो मैग्नेट्स को हम पास पास लाए, तो व्हेन टू मैग्नेट्स, अगर हमने यहां पर बताया कि व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर, आर ब्रॉट क्लोजर, इनको हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पास पास ला रहे हैं तो क्या होगा, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स का मतलब सेम पोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपल, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, रिपल करते हैं एंड। और जो हमारे अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स का मतलब अपोजिट, नॉर्थ वाला अगर साउथ की तरफ लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो जो अनलाइक पोल्स होते हैं हमारे ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारी एक चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये और हो गई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप ये समझिए कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेट में दो पोल हमारे होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल और एक क्या हमारा साउथ पोल। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर यहां से मैग्नेट को बीच से कट कर दिया जाए तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल हमारा अलग हो जाएगा, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हमने देखा क्या कि ये एक हमारा बड़ा मैग्नेट था जिसका एक पोल था क्या हमारा नॉर्थ पोल और एक क्या था हमारा साउथ पोल। अब अगर इसको हमने क्या कर दिया, बीच से तोड़ दिया, तो बीच से तोड़ने के बाद होगा, हम जरा देखेंगे कि जब इसको हमने बीच से ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया, तो दो पार्ट्स कुछ निकलकर इस तरह से आ जाएंगे, एक पहला पार्ट ये और एक पहला पार्ट ये।
आ जाएगा। तो ये जो हमारा नॉर्थ पोल था ये भी क्या हो जाएगा, फिर से दो पार्ट्स में टूट जाएगा, अपोजिट एंड पर अपने आप अपोजिट पोल जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल था तो इस एंड पर अपने आप क्या हो जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा और इस एंड पर अपने आप नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। सेम वही चीज यहां पर है कि यहां पर साउथ था तो यहां पर नॉर्थ पोल अपने आप जनरेट हो जाएगा और ये साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। मतलब कि मैग्नेट को तोड़ने के बाद भी ये अलग नहीं होते हैं। और देखिए नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे के पास में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ना कर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये हमारा इधर की ओर भागने की कोशिश करेगा और ये वाला एंड क्या करेगा, इधर की ओर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब अगर हमने क्या करा कि अगर बाय द वे हमने देखा कि साउथ पोल इधर कर दिया, नॉर्थ इधर कर दिया, अब मैग्नेट को तोड़ने के बाद हो सकता है कि नॉर्थ पोल इधर जनरेट हो जाए और साउथ पोल हमारा इधर जनरेट हो जाए। और इधर देखा जाए इस मैग्नेट में क्या हो सकता है कि अगर हमारा नॉर्थ पोल इधर जनरेट हो जाए और साउथ पोल इधर जनरेट हो जाए, तो आपने देखा क्या कि अब साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो अब हम अब की बार देखेंगे कि दोनों मैग्नेट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि आज हमने आपको मैग्नेट का एक इंट्रोडक्शन दिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।